हेलो ऑल, वेलकम, स्वागत है आपका वी एस फैंटेसी प्रेडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं ई सी एस टी टेन ऑस्ट्रिया की मैच की। यह सीरीज का 26वां मैच होगा जो कि सी आर सी वर्सेज डी एस टी के बीच में होने वाला है। 31 अगस्त को होने वाला ये मैच दोपहर के 12:30 पर शुरू होगा। वेदर की बात की जाए तो बरसात होने के कोई चांस नहीं है, और अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो 146 का स्कोर रहेगा। पिच बैलेंस है और अब तक इस विकेट पे 36 विकेट जो है पेसर्स ने लिए हैं, 14 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। सीआरसी के जो कि हमारी एक पहली टीम है उसकी अगर बात की जाए, सीआरसी के प्लेइंग 11 की, तो अमर नईम इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे आपको। पहला मैच इन्होंने खेला नहीं था, दूसरे मैच में 88, 61, 62 और 4 रन की इनिंगें खेली हैं, तो एक अच्छी फॉर्म में है, इन्हें ज़रूर अपनी टीम में लेके चलें। सिर्फ लास्ट मैच में ही इन्होंने 4 रन की इनिंग खेली, उसके अलावा सभी एक अच्छी इनिंग है, 50 से ऊपर की इनिंग है, तो आपकी टीम में ये प्लेयर होना चाहिए। जिशान आरिफ की बात की जाए तो 51, 8, 16, 18 की ये अब तक की इनकी इनिंग रही हैं, और लास्ट इनिंग में कुछ खास बात हुई थी, वो ये हुई थी कि 34 रन बनाए थे। खासियत ये थी कि इन्होंने बॉलिंग भी की थी, 2 ओवर फेंके थे अपने कोटे के, पूरे 2 ओवर फेंके थे जिसमें इन्होंने 2 विकेट भी निकाले थे। तो जिशान आरिफ अभी तक जो इससे पहले के 4 मैच हों उसमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि इन्होंने बॉलिंग की हो, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग की है। तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि आने वाले मैचों में, या जो कल जो 31 को ये मैच है उसमें ये बॉलिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे। वैसे बहुत मुश्किल है कि ये बॉलिंग कराएं, लेकिन आप अपनी टीम में ज़रूर लेके चल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क लें तो आप इन्हें कप्तान भी बना के ले जा सकते हैं अपनी टीम का। ओपनिंग करते हैं, हो सकता है बॉलिंग कराएं, विकेट भी ले जाएं, तो आपकी टीम में कप्तान के रूप में हो सकते हैं, और अगर कप्तान नहीं तो वाइस कप्तान के रूप में ले जा सकते हैं। बिलाल जलमई को आप भाई कप्तान के रूप में लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने 4 ओवर 2 ओवर हमेशा फेंक रहे हैं। सिर्फ एक मैच में ऐसा हुआ है जिसमें इन्होंने बिलाल जलमई ने ओवर नहीं फेंका, सिर्फ एक मैच में, बाकी सभी मैचों में इन्होंने अपने कोटे के 2 ओवर फेंके हैं। तो जो तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे वो बिलाल जलमई ही हैं। पहले मैच में 8, 2 ओवर विकेट नहीं, दूसरे मैच में 57, 2 ओवर 2 विकेट, तीसरे मैच में 79 बनाए। इसी मैच में बस इन्होंने बॉलिंग नहीं की, इसके बाद जो है उन्होंने हर मैच में बॉलिंग की, 1 रन बनाया नेक्स्ट मैच में, 2 ओवर 1 विकेट, और जो लास्ट मैच था उसमें 55 रन 2 ओवर 2 विकेट। तो टॉप 3 के ये 4-5 प्लेयर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम के, क्योंकि ये बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग भी देते हैं। हकमतुल्ला भी कुछ उन्हीं में से प्लेयर हैं जो आपको बैटिंग भी और बॉलिंग भी देते हैं। लास्ट के 2 मैच, जितने भी मैच अभी 5 मैच हुए खेले हैं, इन्हें देख सकते हैं आप, 2 ओवर 1 विकेट, 2 ओवर विकेट नहीं, 2 ओवर विकेट नहीं, 2 ओवर विकेट नहीं, और जो लास्ट मैच था उसमें भी इन्हें विकेट नहीं मिला, सिर्फ एक मैच में विकेट मिला है, जो कि पहला मैच था उसमें इन्होंने 37 रन भी बनाए थे, 2 ओवर फेंके 1 विकेट निकाला था, और जो लास्ट मैच था उसमें इन्हें विकेट तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने बैटिंग नंबर 4 पे आके की थी जिसमें इन्होंने 51 रन बनाए। तो अगर कहीं ना कहीं टीम ऊपर से फ्लॉप हो जाती, टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता, तो आपको ये बैटिंग दे सकते हैं, और बॉलिंग तो ये फेंक ही रहे हैं, हम सब हर मैच में बॉलिंग अपने कोटे के पूरे ओवर फेंक रहे हैं, कभी कभार जब डेथ में भी आते हैं, तो आपकी टीम में ये प्लेयर होने चाहिए। टॉप के 4 ये 5वां प्लेयर है डैनियल, ये भी आपकी टीम में होने चाहिए। 33 रन 2 ओवर 1 विकेट पहला मैच में, फिर 1 रन 3 विकेट निकाले 2 ओवर फेंकते हुए, फिर 12 रन 1 विकेट 2 ओवर फेंकते हुए, 40 रन 2 ओवर विकेट नहीं, और लास्ट मैच में 12 रन 1 विकेट 2 ओवर फेंकते हुए। तो टॉप के इनकी टीम से ये टॉप के 5 प्लेयर जो हैं ये आपको छोड़ने नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहें किसी ना किसी प्लेयर पे तो आप ले सकते हैं। वैसे ये टॉप के 5 प्लेयर जो हैं इनकी टीम से बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग देते हैं। बशीर खान भी एक अच्छी पिक है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं इनकी टीम से कि इनको लिया जाए। कन्फर्म कब बॉलिंग कराते हैं, कब बॉलिंग नहीं कराते हैं, ये भी कन्फर्म नहीं है। 10-10 ओवर के मैच में हमेशा ही ऐसा होता है, और बशीर खान की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि ये बैटिंग में भी इनको जो है काफ़ी नीचे लाया जा रहा है बार बार, और कभी ऊपर भी ले रहा है, तो आप चाहें तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। सदरान खान बॉलिंग कराना शुरू कर दिए, और शुरुआत में ही अपने 2 ओवर फेंक देते हैं, पहला या तीसरा फेंकेंगे, या तो दूसरा और चौथा फेंक देंगे। ये शुरुआत के 5 ओवर के अंदर ही अपने 2 ओवर कंप्लीट कर रहे हैं। सदा होटक
ये लास्ट मैच में खेले, शुरुआत के चार मैचों में इन्होंने मतलब खिलाया नहीं गया, और लास्ट मैच जो इन्होंने खेला उसमें बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं। नायज ड्रॉप कर सकते हैं, आवेश अहमद ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। असदुल्ला को आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं ये आपकी टीम में, अगर आप जीएल खेल रहे हैं तो किसी एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग के ओवर डैनियल, सदनान खान जैसा कि मैंने कहा, और हकमतुल्ला। सदनान खान स्टार्टिंग में ही ओवर फेंक देते हैं अपने, और डेथ ओवर में बिलाल जलमाई, डैनियल और जिशान आरिफ ने जैसा कि लास्ट मैच में बॉलिंग की। कंफर्म नहीं है कि जिशान आरिफ हर मैच में बॉलिंग करेंगे, इनकी जगह पे बशीर खान भी बॉलिंग फेंक सकते हैं, लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की, सिर्फ 6 रन बनाए, वो भी बैटिंग आ गई थी तो, क्योंकि काफ़ी नीचे आप देख सकते हैं 2, 4, 5, 6 नंबर पर बैटिंग करने आए थे, तो उसमें 6 रन, मुश्किल से 5 गेंदें एक ओवर मिला होगा, तो देख सकते हैं आप। इसके अलावा बेंच में आपको मिराखेल मिल जाएंगे, सब शहदाब खान मिल जाएंगे, अब्दुल वाफी मिल जाएंगे, जलमे मिल जाएंगे, कुछ खास पिक नहीं है, ड्रॉप कर सकते हैं। और जो सेकंड टीम है हमारी डीएसटी की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए, तो इकबाल हुसैन एक बढ़िया पिक है, आप अपनी टीम में होने चाहिए। इनके भी तरफ कुछ 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें ड्रॉप करना नामुमकिन सा है कुछ, लेकिन अगर आप जीएल खेलेंगे तो आपको ड्रॉप थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। 43, 52, 10, 6 की इनिंग रही है, इस प्लेयर को लेके चल सकते हैं। और कादरुल गुल को ये भी एक 39, 47, 1 की इनिंग खेली है अब तक, ये भी प्लेयर अच्छे हैं, आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। और मोहम्मद शफ़ी ये एक प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने बॉलिंग नहीं की है, शुरुआत के 2 मैच खेले नहीं जो, और इसके बाद के जो 2 मैच खेले हैं इन्होंने 39 और 13 रन की इनिंग खेली है। चाहे तो मोहम्मद शफी को आप ड्रॉप करके एक ऐसे प्लेयर को ले सकते हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता हो, जैसे कि अमन अहमद जई। इससे पहले जो लास्ट मैच इन्होंने खेला वो उसमें इनकी सबसे अच्छी इनिंग आई है, 80 रन 1 ओवर 1 विकेट, उससे पहले कुछ खास नहीं थे, तो ये देखते हुए चाहे तो आप अमन अहमद जई को अपनी टीम में ज़रूर लेके जा सकते हैं। जोसु जई को आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं, हर मैच में बॉलिंग करा रहे हैं, 2 मैचों में इन्होंने बढ़िया बॉलिंग की है, जिसमें आप देख सकते हैं पहले मैच में 15 रन 2 ओवर 2 विकेट, फिर 2 ओवर विकेट नहीं, 19 रन 2 ओवर 1 विकेट, और लास्ट मैच जो 6 रन 2 ओवर विकेट नहीं, तो प्लेयर तो अच्छे हैं, आपकी टीम में होने चाहिए। साहिल जरदान भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आपकी टीम में होने चाहिए, अभी तक उतने विकेट नहीं मिले हैं, सिर्फ पहले ही मैच में इन्होंने बॉलिंग कर जो फेंके थे उसी में विकेट निकाले हैं, उसके बाद से अभी तक इन्होंने 3 मैच खेले हैं, किसी मैच में इन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन बैटिंग के भी करते हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, और 10 ओवर के मैच में टॉप ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहता है। नंबर 3 पर नंबर 4 तक की इन्होंने साहिल जरदान ने बैटिंग की है, तो जो प्लेयर नंबर 3 या 4 पर बैटिंग करने आ सकता है, जैसा कि बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहता, तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करना सही नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, आप ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में ज़रूर लेके चलें। लास्ट मैच में जैसा कि दिख भी रहा है कि 33 रन बनाए 2 ओवर फेंके और विकेट नहीं मिला, यही अगर 33 रन बनाना तो ड्रीम इलेवन टीम में तो होंगे, लेकिन अगर ये एक प्लेयर विकेट और ले लेते तो और भी अच्छा हो जाता। आसिफ जजई ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन लास्ट मैच में इन्हें डिमोट किया गया, काफ़ी नीचे फेंक दिया गया इन्हें, पहले मैच में इन्होंने 21 रन 2 ओवर भी फेंके थे, लास्ट मैच में इन्होंने 4 गेंदें फेंकी, पूरा ओवर भी नहीं फेंक पाए, सामने वाली टीम मैच जीत गई। इसके जिस हिसाब से इनको नीचे फेंका गया है उस हिसाब से इन्हें आप ड्रॉप कर सकते हैं। इसक सफ़ी एक बढ़िया बॉलर है, और देख सकते हैं आप हर मैच में लमसम विकेट निकाला, पहले मैच में 8 रन 2 ओवर 2 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट 2 ओवर फेंकते हुए, तीसरे मैच में 4 रन 2 ओवर फेंक के 2 विकेट निकाले, हर मैच में 2 विकेट निकालना है, लास्ट मैच में 1 ही विकेट निकाला 2 ओवर फेंके, तो ये प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए। मोहम्मद सदीक ड्रॉप कर सकते हैं, जेवर खान ड्रॉप कर सकते हैं, शिनवारी आप ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे तो आप लेके चल भी सकते हैं शिनवारी को, क्योंकि ये डेथ में भी बॉलिंग कराने आ रहे हैं। स्टार्टिंग के ओवर इसक सफ़ी, शिनवारी, साहिल जरदान और सफ़ीकुल्ला। डेथ ओवर में आपको अमन अहमद जई मिल जाएंगे, शिनवारी मिल जाएंगे, साहिल जरदान मिल जाएंगे, सफ़ीकुल्ला मिल जाएंगे, अब आसिफ जजई मिल जाएंगे, लेकिन ये प्लेयर बेकार है क्योंकि ये पहले ऊपर बैटिंग करता था, अब जई को नीचे फेंक दिया गया है। बेंच प्लेयर में आपको मोहिवीप, शिनवारी अगर खेलते हैं तो, और दीदार अगर खेलते हैं तो आप अपनी टीम में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस टीम से आप किसे ले सकते हैं, इकबाल को लीजिए, कादर गुल को लीजिए, मोहम्मद शफी को चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, अमन अहमद जई को ट्राई कर सकते हैं, सुसुफ जई को ज़रूर लेके चलें, जरदान है
इनको टीम में लेके चलें। और जो दूसरी टीम है इसके तो सभी प्लेयर लमसम अच्छे ही हैं, अमन नईब है, जिशान आरिफ है, बिलाल है, हकमतुल्ला है, डैनियल है, और ये प्लेयर हैं आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। हमने जो टीम बनाई है अभी तक वो कुछ इस प्रकार है। कप्तान वाइस कप्तान हमने कप्तान दिया है बिलाल जलमई को, वाइस कप्तान डैनियल को दिया है, और हकमतुल्ला को भी लिया है अपनी टीम में। अगर सही रहा तो हो सकता है जिशान आरिफ बॉलिंग भी कराएं जैसा कि लास्ट मैच में कराई, लेकिन हर मैच में नहीं करा सकते। और बिलाल को ड्रॉप किया है, अगर आपको लगता है बिलाल अगर शो कर रहा है लास्ट जब लाइन आउट आएगी कल, अगर उसमें शो करता है कि बिलाल ऊपर बैलिंग बशीर खान अगर बैटिंग करने ऊपर आ सकता है, तो जिशान आरिफ या मोहम्मद नईम दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप जो है बशीर खान को ले सकते हैं, या हकमतुल्ला को ड्रॉप करके बशीर खान को अपनी टीम में ले सकते हैं। आप खुद की टीम भी बना सकते हैं, वीडियो में दी गई प्लेयर की जानकारी के हिसाब से कप्तान वाइस कप्तान भी आप अपने मर्जी के हिसाब से लेके जा सकते हैं। ड्रीम इलेवन जब आप जीएल खेलेंगे तो आप अपने हिसाब से भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।